बिलासपुर जिले के अंतर्गत मस्तूरी विधानसभा के ग्राम महमन में 10वीं की छात्रा नाबालिग कुमारी दुर्गा साहू के साथ सामूहिक बलात्कार कर क्रूरता से हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी तथा प्रदेश साहू संघ महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका श्रीमती यामिनी साहू एवं सचिव सीमा साहू के नेतृत्व में प्रदेश साहू संघ के समस्त पदाधिकारियों ने आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव में कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जी है सर, क्या चाहते सरकार से? छत्तीसगढ़ साहू समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य का दिन था 30 जून, जहां हमारी बेटी एक बड़े न्यायधानी है बिलासपुर, उससे मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत महाबंद उस गांव के रहने वाली बेटी दुर्गा का निहंस हत्या भी हुआ, रेप भी हुआ और सामूहिक हुआ। छत्तीसगढ़ में कम से कम ऐसी उम्मीद हम लोगों ने नहीं किया था कि हमारे बेटी के साथ जो नाबालिग है उसके साथ हत्या भी हो जाए, रेप भी हो जाए और इतना मारपीट और उसके मुंह पे बेशरम का पत्ता डाल दिए थे। इस तरह से जो अपराधी है उसको फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में जो कांड हुआ उससे कम कांड नहीं है ये, हमारे समाज के लिए बहुत पीड़ादायक है। पूरा छत्तीसगढ़ साहू समाज उस पीड़ित परिवार के साथ है। हम लोगों से जितना हो सका हम लोग उसको सांत्वना दिए हैं, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि जो लोग इस तरह से दुर्दांत नशेड़ी हैं, उस ग्राम में हम लोग गए स्वतः तो पता चला कि पूरे गांव नशा के उसमें आगोश में है। इस तरह से नशा करते हैं कि उसको 48 घंटे तक होश नहीं रहता, वो क्या कर लेगा। कल किसके बहन बेटी के साथ ऐसी घटना हो जाए वो पता नहीं। इसलिए सजग रहे छत्तीसगढ़ शासन भी और न्याय करे। निश्चित रूप से उसमें 4 लोग शामिल हैं, 2 लोगों को अरेस्ट किए हैं अभी और बाकी 2 घूम रहे हैं। जिसके जेब से पायल मिला, जिसके जेब से ब्लेड मिला है ना, वो घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का मिलीभगत ना हो, इसके लिए मैं स्वतः एवं हमारे कार्यकारिणी और प्रदेश महिला संगठन के कार्यकारिणी, प्रदेश के संयोजिका, बहुत से लोग वहाँ जा करके, आदरणीय डांगी जी हैं वहाँ पर IG, उनको हम लोगों ने चेतावनी दिया है कि आप 1 हफ्ते के अंतर्गत जो शेष 2 लोग घूम रहे हैं उसको भी अंदर करवाइए। अगर वहाँ TI या कोई छोटे छोटे जो अधिकारी हैं वो तालमेल बना करके उन लोगों से अगर मान लो मिली जुली भगत करते हैं तो ये इंदर आएगा, फिर मत कहिएगा जो है व्यवस्था बिगड़ेगी। ये हम लोगों ने चेतावनी दिया है। मैं आदरणीय डांगी जी ने कहा है कि आप भरोसा कीजिए मुझ पर, और उसने कार्रवाई भी किया। 2-3 पुलिस वालों को सस्पेंड हुआ है ये मैं सुना हूँ। वस्तु स्थिति से मैं अवगत अभी हुआ नहीं हूँ, पर IG से बात करूंगा मैं कि उसकी क्या कार्रवाई हुई है, पर उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस वाले सस्पेंड होने से हमारा कोई भला होना नहीं है। हमें तो चाहिए दुर्गा के जो हत्यारे हैं, दुर्गा के साथ जो अन्याय रेप किए हैं, उसके साथ जो मारपीट किए हैं, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये आपकी मांग? ये हमारी मांग है पूरे छत्तीसगढ़ में साहू समाज की। हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीमती यामिनी साहू जी भी हैं। मैम, महिला होने के नाते कैसे पीड़ा, कितनी पीड़ा होती है ऐसे जब चीज़ों को आप देखते हैं, सुनते हैं? किसी भी बेटी या किसी भी महिला, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे वो पूरे भारत देश में हो, किसी भी महिला या बेटी के साथ जब ये घटना घटती है तो हमको हृदय विदारक पीड़ा होती है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं। बयान नहीं कर सकते कि कितनी तकलीफ महसूस होती है इस बात से। और इसके पश्चात जो माहौल बनता है आसपास के वातावरण का, पूरे छत्तीसगढ़ पूरे देश का, कि सभी लोग भयभीत होने लगते हैं। महिलाएं जो हैं, बेटियां जो हैं, घर से निकलने से के लिए असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए सख्त कानून बने। अभी तक फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, लेकिन हम महिला प्रकोष्ठ की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे केस में दुर्गा के जो अपराधी हैं उनको तो फांसी की सज़ा मिले। कहीं भी ऐसा केस देखने और सुनने को मिलता है तो वहाँ उसके लिए फांसी की सज़ा लागू होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और साथ ही कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पर आज उनके घर में जाकर तो श्रद्धांजलि अर्पित किए, आज महिला प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और सभी टीम मिलकर यहाँ पर बहन दुर्गा को हमने
कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, ताकि उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके और उनको भगवान शांति और सद्गति प्रदान करे। इस भाव को लेकर हमने आज यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धांजलि, और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च होगा और बहन दुर्गा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अगर कुछ लोग इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अपराधियों को बचाने का अगर प्रयास किया जा रहा है, तो साहू समाज महिला प्रकोष्ठ हो या साहू समाज हो, इसको सहेगा नहीं। और बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे, पर अपराधियों को हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो और फांसी की सजा हो। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, उनको प्रशासन को उन पे लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। आए दिन ये घटना छत्तीसगढ़ में हो रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हम सभी छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला प्रकोष्ठ और हमारे अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी जी के नेतृत्व में आज बहन दुर्गा को श्रद्धांजलि देने के लिए तेलीबांधा तालाब में उपस्थित हुए हैं, और हमारी सबकी मांग है बहन दुर्गा को न्याय मिले और जो अपराधी हैं उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। और आज सभी महिला प्रकोष्ठ उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए यहाँ तेलीबांधा तालाब में उपस्थित हुई हैं। फांसी दो, फांसी दो, दुर्गा साहू के अपराधी को फांसी दो, फांसी दो। साहू समाज की एक ही मांग, दुर्गा को मिले इंसाफ। साहू समाज की एक ही मांग, दुर्गा को मिले इंसाफ।